हाय एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी। आज का टॉपिक है सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिसेस, और ये मैट्रिक्स का पार्ट 8 वीडियो है। और इस वीडियो में देखेंगे सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बेसिकली यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाएगा। तो हमने ऑलरेडी मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स देखा हुआ है, यानी कि जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगनल मैट्रिक्स। तो ये सारे मैट्रिक्स हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमें स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज़ होगा यहाँ पे। तो देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले सिमेट्रिक की बात करेंगे हम। सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए सबसे पहले तो हम बोलेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू ए, दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, इफ या फिर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। अगर हमारा ये कंडीशन होगा ए डैश इज इक्वल टू ए, ठीक, तो जो हमारे सिमेट्रिक जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एन जे। तो बेसिकली हमारे जो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है वो क्या है, A स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल्स टू ए, दैट इज ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एन जे। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ठीक है, अगर ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स आ जाए जो मैट्रिक्स हमारे पास था, तो हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। यानी कि सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, -1, ये एग्जांपल है। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए इज इक्वल्स टू दिस, और हमें चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो मैट्रिक्स है वो 3x3 है, यानी कि स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली कंडीशन हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद क्या चेक करना है कि ए डैश जो है वो ए के इक्वल हो, यानी कि हमारा जो ए है अगर इसका हम ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए, यानी कि इस मैट्रिक्स का अगर हमने ट्रांसपोज लिया तो यही मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा। अगर हम इस मैट्रिक्स सेकंड केस में क्या करना है, ए डैश इज इक्वल्स टू ए, तो यानी कि हमने ए डैश लिया, यानी कि ट्रांसपोज लिया, ए का ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें ट्रांसपोज निकालना है तो उसका रो और कॉलम को हमें इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 1, -1, 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -1, 2, 4, थर्ड रो को थर्ड कॉलम 2, 4, 3। तो ये हमारा ट्रांसपोज हो गया, मैट्रिक्स ए का जो ट्रांसपोज लिया हमने ये। तो अब अगर आप देखो इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को, तो ये जो मैट्रिक्स है दोनों सेम है, यानी कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए डैश, ठीक है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू
ए डैश हमारा जो कंडीशन है सेकेंड वाला कंडीशन फुलफिल है, यानी कि जो मैट्रिक्स ए है वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, यहाँ पे जो हमने बात की है ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, यानी कि इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है और इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो दोनों एलिमेंट क्या है, सेम है। अगर हम इसे मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स में अगर हमने यहाँ पे ए ये पोजीशन फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, वन टू ए वन टू की पोजीशन है माइनस वन, तो यहाँ पे अगर हमने वन टू लिया, ए वन टू लिया और ए टू वन लिया, यहाँ पे क्या है ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई। अगर हमने ए वन टू या फिर ए टू वन को इक्वल किया तो हमारे जो एलिमेंट है वो माइनस वन आएगा। आप चेक कर सकते हो यहाँ पे ए वन टू क्या है माइनस वन और ए टू वन क्या है ए टू वन माइनस वन है। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है वो सेम है। तो यहाँ पे जो हमने कंडीशन लिखी है इसका यही मतलब है कि इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है और इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो दोनों एलिमेंट सेम होगा, तब हमारा जो मैट्रिक्स कहलाएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या देखा, पहली चीज तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ जब हम उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले तो वही मैट्रिक्स आ जाए। ठीक है, सेकेंड कंडीशन, तो ये दो कंडीशन होनी चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए। स्क्वायर मैट्रिक्स हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए भी लेंगे, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए हमें सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी हम देख लेते हैं। सो हमारा जो सेकेंड है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है। अब यहाँ क्या देखना है, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में देखा था कि ए डैश इज इक्वल टू ए होना चाहिए और जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दो कंडीशन थी हमारे पास। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, बट ये जो ए डैश है वहाँ पे माइनस ए, वहाँ पे ए था, यहाँ पे माइनस ए होगा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, यानी कि अगर हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है एक, ठीक है, और ये देखना है कि हमें कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, तो देखना क्या होगा, सबसे पहले हम ट्रांसपोज लेंगे उस मैट्रिक्स का। जैसे ही ट्रांसपोज लेंगे वैसे ही हमारा जो मैट्रिक्स आएगा, अगर वो सेम मैट्रिक्स आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, और अगर माइनस है यानी कि जो मैट्रिक्स आ रहा है उसमें माइनस में आ रहा है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, यानी कि ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे आई फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ आई एंड जे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक मैट्रिक्स है ठीक है, ये मैट्रिक्स है ए। अब क्या करना है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है थ्री बाय थ्री का। अब हमें देखना है कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, अगर ये कंडीशन हो रही है तो ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर ये कंडीशन नहीं होगा यानी कि यहाँ पे प्लस होगा तो वो सिमेट्रिक कहलाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे अगर ए डैश हमें लेना है, ठीक है, अगर इसे इसका ए डैश ले यानी कि ट्रांसपोज ले इस मैट्रिक्स का, ट्रांसपोज लेने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन टू, सेकेंड रो जीरो थ्री माइनस टू माइनस थ्री एंड जीरो। ठीक है, तो अब इन दोनों मैट्रिक्स में माइनस का फर्क पड़ रहा है, ठीक है, यानी कि माइनस का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस और प्लस का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर हम मैट्रिक्स ए में माइनस ए कर दे, ठीक है, अगर हम माइनस ए कर दे तो हमारा जो मैट्रिक्स आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा ए डैश। ठीक है, तो जो हमारा ए डैश इज इक्वल्स टू माइनस ए था वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इस मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें ओवरऑल, यानी कि हम ए डैश जो था वो क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा अगर हमने इस मैट्रिक्स में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो गया हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। और जो हमारी ये वाली जो कंडीशन थी ये भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम ए वन टू ले ले, ठीक है, और माइनस ए टू वन ले ले, तो ये दोनों इक्वल होगा। कैसे, अगर ए वन टू पे चेक करें तो यहाँ वन है, ठीक वन लिख लिया,
A21 पे क्या है, A21 ये आएगा, A21 पे -1 है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये दोनों इक्वल हो गया, एलिमेंट इक्वल है, यानी कि ये कंडीशन भी होगी, ये कंडीशन और ये कंडीशन एक ही कंडीशन है, बस हमने आपको समझाने के लिए अलग अलग तरीके से आपको बताया हुआ है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, पहला तो स्क्वायर होना चाहिए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरा ए डैश जब ट्रांसपोज ले उस मैट्रिक्स का, तो ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस वो जो मैट्रिक्स है वो माइनस में आ जाए, ठीक है, तो वो भी हो गया। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स दी गई है मैट्रिक्स ए, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, ठीक है। तो हमने बेसिकली देखा क्या कि यहाँ पे अगर हमारा ए आई ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई है, अगर हम आई इज इक्वल टू जे ले ले, ठीक है, यानी कि ए आई जे की जगह पे आई ले ले, यानी कि ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, ठीक, इधर जाएगा तो टू ए आई आई हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो, ये कुछ इस तरीके से ए ए आई आई इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ये आई आई कब होता है, यानी कि ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री, ये डायगनल एलिमेंट्स है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में जो डायगनल एलिमेंट्स है वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, अगर ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री की बात करें तो जो हमारा डायगनल एलिमेंट है वो ज़ीरो दिया गया है, तो इसका मतलब ये होता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में जो डायगनल है वो ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे बताया है, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये हमने स्पेशली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए बताया, ए आई आई यानी कि जो डायगनल एलिमेंट्स है वो ज़ीरो हो। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा दो चीज़ें पढ़ा है, पहला तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए डैश इज इक्वल टू ए होना चाहिए, ठीक, दोनों में स्क्वायर होना चाहिए, फर्स्ट सिमेट्रिक में भी और स्क्यू सिमेट्रिक में भी, और जो स्क्यू सिमेट्रिक है उसमें ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए होना चाहिए। तो हमने पढ़ा स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इन दोनों में कोई डाउट है, कोई अगर आपको डिफरेंस नहीं पता चल रहा है, डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख ज़रूर बताइए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।